आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन 17 अर्थशास्त्र 12th क्लास में मुद्रा और उसके कार्य और उसका अर्थ। हम शुरू करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल में मनुष्य ने जब अपना जीवन यापन प्रारंभ किया तो शायद वो बंदर थे, वन मानुष, और धीरे धीरे मनुष्य में परिवर्तित हुए। और उसी दौरान में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ एक आविष्कार किए या अपने आप हो गए। जैसे कि बात करें हम यंत्र कला की या यंत्र विज्ञान में, फिर बात करें हम विज्ञान में, फिर बात करें हम राजनीति विज्ञान में, और अंत में हमारे विषय के बारे में बात करेंगे हम, वो है अर्थशास्त्र। यंत्र विज्ञान, इसका आविष्कार हमारे लिए जो महत्वपूर्ण था वो था पहिया। विज्ञान, इसके लिए महत्वपूर्ण थी आग या अग्नि। राजनीति विज्ञान में जो सबसे बड़ा आविष्कार रहा वोट। और अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा मुद्रा, या प्राचीन समय के अनुसार बात करूं तो सिक्के। यंत्र विज्ञान में पहिए ने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दिया। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन में आग के रूप में भोजन पका के खाना शुरू कर दिया, पूर्ण रूप से उसका जीवन बदल गया। राजनीति विज्ञान, जब ये बहुत बात की बात है तो उसमें वोट, जिसमें उसने अपनी सरकार का चुनाव करना प्रारंभ कर दिया, तो वोट ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और राजनीति विज्ञान के बाद में जो सबसे नवीनतम टॉपिक आता है हमारा, वो है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुद्रा या सिक्के ने। प्रारंभ में मनुष्य रहा करता था कहाँ? जंगल या वन में। अब ये तो था नहीं उसके पास, मींस क्या नहीं था, मुद्रा और सिक्के नहीं थे, जीवन यापन कैसे करे? पहले वो अलग अलग रहा करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों में, फिर उन्होंने बड़ी बड़ी बस्तियां बना के रहना शुरू कर दिया। और जब वो वन से उस बस्ती में परिवर्तित हो गए, तो वन से तो बस्ती में परिवर्तन हुए, तो उन लोगों को चाहिए थी कुछ वस्तुएं। और वे वस्तुएं किस कैटेगरी की थी, इन्हें हम बोलते हैं हमारे अर्थशास्त्र में आवश्यक वस्तुएं। और आवश्यक वस्तुओं के अगर हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हो तो हमें करना पड़ता है चयन। और आपको पता है कि अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? चयन की समस्या। सबसे बड़ी समस्या होती है चयन की, क्योंकि आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है कि क्या चीज मैं लूं और क्या चीज मैं नहीं लूं। अब चयन की समस्या आपके सामने थी। जब चयन था तो आपका मन डोलता होगा कि मैं गेहूं खाऊं, चावल खाऊं, बाजरा खाऊं, या अन्य कोई आपका जो भी अच्छा आपको भोजन लगने वाला वो खाऊं। तब मनुष्य ने एक प्रक्रिया या एक नई नीति को अपनाया, उसे बोला गया वस्तु विनिमय। क्योंकि तब तक हमारे पास क्या नहीं था, मुद्रा और सिक्के नहीं थे। हमारे पास केवल और केवल क्या थी, वस्तुएं जो शायद हमने थोड़ी बहुत उगानी सीख ली थी, या जंगली जो भी वस्तुएं थी, जैसी भी थी, उन वस्तुओं का हमने विनिमय शुरू कर दिया। और हमारा जो इस लेसन का पहला हेडिंग मिलती है, पहला बिंदु मिलता है, वो हमें मिलती है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, और इसको लेकर मनुष्य बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि वे एक वस्तु के बदले में वस्तु को बदल लिया करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन करना ही क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। तब तक मनुष्य ने शायद थोड़ा बहुत कृषि करना, बागवानी करना, पशुपालन करना क्या कर लिया था? सीख लिया था। और पहले की जो छुट्टियों से पहले की हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कृषि, बागवानी,
पशुपालन को हमारे आर्थिक लैंग्वेज में जो है वो प्राचीन समय में क्या बोला गया था, वार्ता या वार्ता, दोनों रूप से आप लिख सकते हो। और एक नंबर का क्वेश्चन हमारे हमेशा आता है कि वार्ता शब्द से क्या आशय है, तो वार्ता शब्द का आशय है कृषि, बागवानी और पशुपालन, इन सभी को शामिल कर दिया गया मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। यह प्रणाली हम लोगों में बहुत प्रचलित रही, लेकिन इससे संबंधित कुछ कठिनाइयां थी, हमें उन्हीं कठिनाइयों से पार पाना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास साधन बढ़ते जाते हैं आप जो है उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रगतिशील है। आपके पास साइकिल, फिर छोटी बाइक, फिर स्कूटी, फिर बड़ी बाइक, फिर शायद छोटी का, फिर बड़ी का, फिर मर्सिडीज और फिर हेलीकॉप्टर, मीन्स आपकी बढ़ती जाती है। तो यही ये सब कुछ भी यही हुआ। देखिए, मनुष्य ने शुरू किया कहाँ किया, कंदमूल से, ना उसके पास कुछ भी नहीं था, पहिया नहीं था, आग नहीं थी, लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया था कि उसे वस्तु विनिमय करने में भी कठिनाइयाँ हो रही थी। तो क्या कठिनाइयाँ थी हमें वस्तु विनिमय से जुड़ी हुई, क्या उन समस्याओं से वो किस तरह से निजात पाता। पहली कठिनाई की बात करें तो पहली थी दोहरे संयोग की कठिनाई। जी, आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, आपको चावल बेचनी है, मेरे को गेहूं बेचना है, और हमारी आवश्यकताएं भी सेम थी। तो आप मेरे पास आए और आपने मुझे चावल दे दिए, मैंने आपको गेहूं दे दिया, समस्या हल। ये तो बहुत सीधी प्रक्रिया थी, लेकिन आपके पास चावल थे, मेरे पास जो है वो गेहूं था, आप मेरे पास आए बोले कि हमें जो है वो चावल के बदले में गायें चाहिए। मैं कहूँ मेरे पास गायें नहीं है, मेरे पास क्या है, गेहूं है। आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो ये सब चीज़ें आपको पूर्ण करके दे सके, यानी कि आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। यही था दोहरा संयोग, यानी कि वो सेम मैचिंग का व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। वर्तमान में भी आप देख लीजिए, अगर हमें कोई वस्तु चाहिए और उसके बदले में हम कुछ वस्तु देने के लिए तैयार हैं, तो हमें बहुत लंबे टाइम तक घूमना पड़ेगा और वो वस्तु लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मुद्रा है, सिक्के हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, चेक, कैश, मर्जी वैसे लेके जाओ, रखो और सामान उठा के ले आओ। तो ये था दोहरे संयोग की कठिनाई, कि दोहरा संयोग क्या था। ये था कि हमें एक वस्तु के बदले में वैसी ही वस्तु चाहिए थी जो हमें चाहिए थी, और सामने वैसी ही आवश्यकताएं वाला व्यक्ति हमें ढूंढना पड़ रहा था। दूसरी जो हमारी थी वो थी भावी मूल्य का निर्धारण करने में कठिनाई। आपको अंदाजा हो गया होगा कि भावी मूल्य क्या है। आज आपके पास गेहूं है, क्या वो गेहूं आप साल भर रखते हैं, रख लेंगे, लेकिन क्या उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी, निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी डाउन होगी, और उस स्थिति में क्या आपके गेहूं का भाव वो रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ लोग जो है वो कपास रख लेते हैं घर पे लेट बेचने के लिए, और बाद में जो है वो सीलन पकड़ना शुरू होती है, तो उसे ओने पौने दामों में उन्हें बेचना पड़ता है। तो यहाँ वस्तु विनिमय में भावी मूल्य का निर्धारण करने में कठिनाई था। क्या आप ये बताओगे कि मेरा गेहूं इतना पुराना था या मेरा चावल इतना पुराना था, क्या आप ये बताओगे कि मेरी गाय बूढ़ी हो चुकी है और वो दूध देने लायक नहीं है, नहीं बताओगे। तो उस स्थिति में क्या सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु को बिना जांच पड़ताल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, वो उसकी पहले जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद में ही वो उस वस्तु को जो है वो विनिमय कर पाएगा, उसको लेन देन कर पाएगा। और उस स्थिति में शायद आपके लिए बेहद ही कठिन परिस्थितियां थी कि आप जो है उनका लेन देन करें या नहीं करें। तीसरी समस्या हमारे पास थी उधार की, उधार की कठिनाई। ऊपर वाला बिंदु इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके जैसे जैसे वस्तु पुरानी होती जाएगी, निश्चित रूप से उसका मूल्य धीरे धीरे कम होगा। अब अगर उसका मूल्य कम हो रहा है तो क्या उधार में दी गई रकम कम नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 क्विंटल गेहूँ उधार दिया था, बदले में आपकी इच्छा थी 1 क्विंटल चावल की। आपको पता वर्तमान मूल्य में चावल अधिक महंगा है गेहूं के बनिस्पत, तो उस कंडीशन में क्या वो
एक क्विंटल चावल जो है वो आप उसको एक महीने दो महीने या पाँच महीने बाद देते हो तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में उधार की कठिनाई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये कठिनाई हमारे लिए लंबे समय तक चलती थी। चौथी जो है वो थी परिवहन की समस्या। परिवहन की कठिनाई, अब जी आपके पास थे गेहूं और आपको उसके बदले में चाहिए थे भैंसें, तो क्या भैंस आपको एक या दो क्विंटल में दे देगा? नहीं देगा। और वो भैंसें जो मिल रही हैं उनकी दूरी भी अधिक है, तो उस स्थिति में आप अधिक लंबी दूरी तय कर वहाँ तक भैंसें खरीदने के लिए जा रहे हैं। उस समय आपके सामने सबसे बड़ी कठिनाई होगी परिवहन की, यानी कि आप उनको वहाँ तक किस प्रकार से लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, ये समस्या आपके सामने रहेगी। तो ये थी हमारे सामने परिवहन की समस्या। क्या आपके पास वो साधन हो पाएंगे, क्योंकि उस समय तो जो ट्रक वगैरह तो थे नहीं, बैलगाड़ियाँ थी, तो क्या बैलगाड़ियों पर आप उतना गेहूँ या चावल लेके जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। फिर उतनी ही क्या गायें और भैंसें आपको लेके आनी है, लेके आ पाओगे? क्या रास्ते में उनके भोजन की उचित व्यवस्था हो पाएगी? क्या उनके पानी की व्यवस्था हो पाएगी? आप इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं बैलगाड़ी पर, तो आपके रहने की समस्या भी हो जाएगी, आपको अपने भोजन की समस्या जो है वो दो चार होना पड़ेगा। तो इन कंडीशंस में परिवहन की समस्या भी हमारे सामने सबसे बड़ी उभर के आई। ये चल रही है हमारी कठिनाइयाँ वस्तु विनिमय की, दोहरे सहयोग की कठिनाई, भावी मूल्य के निर्धारण की कठिनाई, उधार की कठिनाई, परिवहन की कठिनाई, और पांचवी और अंतिम कठिनाई जो है वो आती है मूल्य मापक की कठिनाई। हाँ जी, मैं कह रहा हूं मेरा एक क्विंटल चावल आपके दो क्विंटल गेहूं के बराबर है, और आप कह रहे हो कि आपका एक क्विंटल गेहूं मेरे जो है एक क्विंटल चावल के बराबर है। विवाद हो गया, फिर तो यही होगा कि हम एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे कि नहीं मेरा ये विवाद ही होगा, वहाँ जो है वो सौदेबाजी नहीं होगी। तो मूल्य का मापक का क्या निर्धारण किया जाए, उस समस्या का हल किसने किया? हमारी सिक्के या मुद्रा ने किया। और इन सिक्के और मुद्राओं ने जब उस समस्या का हल किया, तभी जाकर जो हम हमारे आधुनिक जीवन में प्रवेश कर पाए और उन कठिनाइयों से बाहर निकल पाए। तो मूल्य का मापक वस्तुओं के रूप में मापना हमारे लिए बेहद ही कठिन कार्य था। तो आज हमने जो है वो किया कि किस तरह से हमने अपने आविष्कार किए, यंत्र विज्ञान राजनीति और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण था मुद्रा और सिक्के, हम बस्ती जंगल में रहा करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली को हमने अपनाया, और उसी दौरान हमने बागवानी पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ किया जिसे वार्ता या वार्ता कहा गया। और लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ थी, जिसमें दोहरे सहयोग की कठिनाई, दो व्यक्तियों के समान वस्तु मिलना मुश्किल था, भावी मूल्य के निर्धारण में कठिनाई, उधार की कठिनाई थी, उधार में कितना आप ब्याज देंगे लेंगे वो सब बातें, परिवहन की कठिनाई उन वस्तुओं की माल के ढुलाई की आपके लिए कठिन थी, और मूल्य के मापक की कठिनाई के रूप में था कि मूल्य के मापक जो है वो क्या हो। क्या जी?